पीयूसीएल संस्था का 10वां वार्षिक राज्य स्तरीय सम्मेलन अजमेर के श्रमजीवी कॉलेज में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में वर्तमान लोकतंत्र व लोकतांत्रिक संस्थाओं का पुनर्गठन विषय पर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में समाज सेवी अरुणा राय के साथ देश के विभिन्न हिस्सों से मानवाधिकार सामाजिक संस्थाओं से जुड़े करीब 250 कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संस्था की शुरुआत 1975 में मानवाधिकार, दलित अधिकार व महिला अधिकार जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों के लिए की गई थी, जिससे जुड़कर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गरीबों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव सरकार से करवाए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को नहीं पता कि भारत को आज़ादी कैसे मिली और किन मूल्यों के आधार पर आज़ादी मिली। ऐसे में युवा पीढ़ी को अपने अधिकारों में मूल्यों के लिए सजग रहना होगा। इसी की जानकारी देने के लिए पीयूसीएल युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है, जिससे कि वे सही दिशा में जाकर एक सशक्त भारत की ओर अपने कदम बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है वह सामाजिक भारतीय मूल्यों के विरुद्ध है और इसकी समझ युवा पीढ़ी को नहीं है। ऐसे में सभी को लोकतंत्र व लोकतांत्रिक पुनर्गठन में बदलाव के लिए आगे आना होगा, जिससे कि सभी को मानवाधिकार व अपने अधिकारों की जानकारी मिल सके। पीयूसीएल राज्य जो कि देश का सबसे पुराना मानवाधिकार संगठन है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी, उसकी राजस्थान इकाई का राज्य सम्मेलन आज आयोजित किया गया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन है जो कि कल तक चलेगा। इसमें देश के प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं और साथ ही राज्य के विभिन्न भागों से और अन्य जिलों से वहाँ के प्रतिनिधि भाग लेने आए हैं। करीब 250 कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं और सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जो कि मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं, श्रीमती अरुणा राय, पूर्व आईएएस अधिकारी श्री हर्ष मंदर और सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने वक्तव्य दिया। यूसीएल की जो राज्य की अध्यक्ष है कविता श्रीवास्तव भी इस आयोजन में उपस्थित हैं और अलग अलग जो महत्वपूर्ण मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जो महिला अधिकार, मन और अल्पसंख्यकों के अधिकार, दलित आदिवासी अधिकारियों के लिए अलग अलग जिलों में लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सारे संगठनों के प्रतिनिधि भी यहाँ भाग लेने आए हैं। जैसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ 1975 के बाद जस्टिस तारकुंडे ने बनाया और वो हमारे लिए, हमारे ज़माने के जितने भी लोग हैं, हमारे लिए लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का एक ढांचा के रूप में इतने साल से पेश आ रहा है। हम लोगों के लिए अभी सत्ता बदल जाती है, सरकारें बदल जाती हैं, मगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना, लोकतंत्र मूल्यों को सुरक्षित रखना, संविधान को लक्ष्य में रखकर काम करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। आजकल के जो दुनिया में लोकतंत्र क्या है यही सही मायने समझ नहीं है, गुलामी क्या है उसके एहसास भी नहीं है, क्योंकि आज़ाद हिंदुस्तान के बच्चे हैं जो आजकल वोट देते हैं, चला रहे हैं। हम जैसे लोग उसमें जन्मे नहीं, कुछ एक साल पहले मैं जन्मी, मगर माँ बाप की कहानियाँ और नाना नानी दादा दादी की कहानियाँ सुनते हुए हम पले बड़े और हमें पता है कि आज़ादी पाने के लिए कितना मुश्किलात के साथ पाया गया, स्वतंत्रता आंदोलन क्या था, गांधी जी, अम्बेडकर, नेहरू सब क्या मेहनत किए और भी कई सारे किए, कैसे ये आया, ये सब पता है। तो मेरी पीढ़ी अब ख़त्म हो रही है करीब करीब, और जो नई पीढ़ी आ रही है मेरे से 4 पीढ़ी छोटी, उसको तो इतिहास नहीं है समझ, उसका राजनीतिक समझ नहीं है। तो हमें अभी पीयूसीएल जैसे संस्था, जैसे लोकतंत्र के मूल्य, जैसे अधिकारों का समझ और न्याय और समानता के लिए जो बातें हैं वो लोगों को सामने रखना और लोगों को उन मूल्यों के आधार पर अपना हिस्सा, हकों का हिस्सा मांगना, लोकतंत्र को कायम रखना, संविधान को कायम रखना, समझना बहुत ज़रूरी। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और किस तरीके से किया जाता है, उदाहरण स्वरूप आप अभी देखिए कितने डिस्क्रिपेंसीज आए हैं ईवीएम के बीच में और वोटर्स लिस्ट के बीच में। अब रीड ही इतना कमज़ोर है, आपके कंप्लीट विश्वास होना चाहिए, 1% एबरेशन है तो भी बुरा मानते हैं, उससे ज़्यादा आया है। तो कौन पूछेगा ये प्रश्न, कौन देश को आगे ले जाएगा, किसका जुम्मा है, किसको फ़ायदा मिलेगा और लोकतंत्र कितना फ़ायदा दिया है, ये सब समझने के लिए मुझे लगता है आज बहुत आवश्यक है।